प्रभाज किचन में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज मैं बनाती हूँ रवा रबड़ी रोल। रवा रबड़ी रोल बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, ये मैंने एक कटोरी, छोटी कटोरी से रवा ले लिया है। ये थोड़ा सा बादाम काट लिया, थोड़ा पिस्ता है, थोड़ा काजू है, थोड़ा सा मैंने इसको पनीर ले लिया है। ये मैं शक्कर है, ये थोड़ा इलायची पाउडर है, और ये दूध में मैं केसर भिगो के रख ली हूँ, और ये थोड़ा सा दूध लिया है इसको रवा में भिगोने के लिए। ये मैंने आधा लीटर दूध लिया है, ये इसका मैं रबड़ी बनाऊंगी। अब ये रबड़ी बनाने के लिए मैं तब तक गैस जला के ये दूध को मैंने चढ़ा दिया, तब तक ये रबड़ी बन रही है, तैयार हो रही है। तब तक मैं ये रोल बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। चलिए बताते हैं। रोल बनाने के लिए मैं एक जो है ये कटोरा ले लिया है, इस कटोरे में मैं रवा डाल देती हूँ। रवा डाल के इसको मैं थोड़ा सा दूध डाल के इसको कम से कम 1 घंटे के लिए इसको दूध डाल के इसको भिगो के रख देना है। 1 घंटे बाद जो है इसको हमें फिर से करना है। देखिए दोस्तों, 1 घंटा हो गया। अब मैं जो है ये देखिए, ये फूल के इस तरह से हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा। अब मैं ये मिक्सी का जार ले लूँगी, इस जार में इसको डाल दूंगी। और ये पनीर जो हमने लिया रखा था इसको जो है डाल देंगे, इसमें डाल के इसको हमें पीसना है। ये देखिए, इसको मैंने इस तरह से पीस लिया एकदम महीन। ये देखिए, हमको इसमें थोड़ा सा दूध मिला देंगे और ये इस तरह से थोड़ा सा दूध मिला देंगे। देखिए मेरी रबड़ी करीब करीब तैयार हो गई है बनके। इसमें जो है हम सारे ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। देखिए एकदम तैयार हो गई है। ये देखिए, अभी थोड़ा सा और इसको हमें गाढ़ी करनी है, थोड़ा सा और गाढ़ी होती है। तब तक हम रोल बनाने की तैयारी कर लेते हैं, चलते हैं हम रोल बनाते हैं। ये हम एक पैन लेते हैं, पैन लेते हैं, फिर गैस चलाते हैं। देखिए गैस पे पैन को रखेंगे और घी, इसमें घी बहुत बहुत ही ज़रा सा घी लगेगा। ये देखिए मैंने इतना सा घी लिया हुआ है, देखिए हम इसमें से ज़रा सा घी डालेंगे। सबसे अच्छी बात यही है इसमें कि इसमें घी नहीं लगता ज़्यादा। ऐसे हम और लोग मालपुआ बनाते हैं और रोटी सब्जी बनाते हैं, बिना तले हुए नहीं बन पाता, लेकिन इसमें घी नहीं लगता ज़्यादा, इसमें बहुत ही कम घी लगता है। देखिए फिर अब से ये जो मैंने घोल बनाया है ये इसको लेके गैस गैस मीडियम आंच पे रहेगी, ना बहुत तेज ना बहुत धीमी। ये लेके हम इतना सा लेंगे और इस पे डालेंगे और इसको खूब पतला सा हमें फैलाना है। ये देखिए, ज़्यादा मोटा बनाएंगे तो रोल मेरा बन नहीं पाएगा। ये मैंने पतला से बना दिया। अब इसको हमें पलट के सेकना है, गैस थोड़ी धीमी कर देंगे। ये देखिए, ये गैस हमने धीमी कर दी है। ये देखिए इसमें जरा सा भी घी नहीं लगता है। दोनों तरफ से हमें रोल को सेक लेना है। सेक देखिए इसमें रख लिए, फिर ऐसे बनाते हैं। घी अब एकदम घी नहीं डालना है, बिना घी डाले ही ये बन जाएगा।
ये देखिए, अगर ज़रूरत हो तो आप डाल सकती हैं थोड़ा सा, बाई चांस ना छूटे तो आप ऊपर से थोड़ा सा घी डाल सकती हैं ज़रा सा बस। ये देखिए, ये जितना पतला रहेगा उतना ही अच्छा इसका रोल बनेगा। ये देखिए मेरी रबड़ी बनके तैयार हो गई है। अब इसमें जो है देखिए दोस्तों, मेरी रबड़ी एकदम बनके तैयार हो गई है। अब इसमें हम थोड़ा सा ये शक्कर डाल देंगे। शक्कर अपने पसंद के ऊपर है, ज़्यादा कम आप डाल सकते हैं, कोई ज़्यादा खाता कोई कम खाता है। अब इसमें हम थोड़े थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। इलायची पाउडर डाल देंगे, ये जो हम दूध और केसर रखे थे, ये दूध और केसर इसको भी हम इसमें डाल देंगे। इससे मेरा थोड़ा सा कलर जो है अच्छा आ जाएगा रबड़ी का। देखिए इतना बढ़िया कलर आ गया। ये देखिए इसका कलर अच्छा आ गया। अब इसको हम थोड़ी देर और पकाएंगे, 2 मिनट। देखो दोस्तों मेरे एकदम रबड़ी, ये देखिए ये ठंडा हो गया। अब मैं रोल बनाने चलती हूँ, ये देखिए जाती हूँ। ये देखिए मेरा पनीर रोल बनके तैयार हो गया। इसमें हमने अच्छे से भर दिया। ये ऐसे भी रखा जा सकता है, ऐसे भी रखा जा सकता है, जिस तरह से आपका मन करे आप उस तरह से रख सकते हैं। देखिए देखिए मैंने दो इस तरह से रख दिया, दो इस तरह से रख दिया, आपकी जैसी इच्छा वैसे रखिए। ये मेरा पनीर रोल तैयार हो गया। आप इसके ऊपर से भी रबड़ी डाल सकती हैं, ये आपकी मर्जी है, थोड़ी थोड़ी डाल सकती हैं। देखिए ये मेरा, देखिए ये रबड़ी मेरी तैयार हो गई, रवा रबड़ी रोल। अब आप लोग बनाइए और खिलाइए, और बहुत ही सॉफ्ट बनता है। ये देखिए मैं काट के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए देखिए ये देखिए, ये खाने में बहुत अच्छा होता है, आप खाइए। अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, गुड डे।